ठीक है भी आने के लिए छोड़ा था उन सब जुड़ो घंटा बनाने का डबल आने डबल आना पड़ेगा उनको अभी आने आगा उनको क्या करने का कुछ नहीं का वीडियो बन का सवाल जवाब कुछ ही नहीं फिर वीडियो जाता फिर नेट पे अभी बोलो हाँ मैं पर भी अंदर आ गया ओ तेजी जकड़ो उसको चला बाहर आ लाओ उसको पकड़ के जलाओ उसको तेजी जलाओ जकड़ लो उसको तेजी जकड़ो उसको दोनों हाथ जकड़ो जलाओ और जकड़ लो उसके हाथों को पहले तेजी जकड़ लो जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो यहाँ जकड़ो उसको तेजी जकड़ो जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो जलाओ उसको तेजी जलाओ लगा पूरी ताकत कम बात की तेजी को जलाओ उसको और तेजी जलाओ लगा उसके अंदर तेजी से आग लगाओ लगा पूरी ताकत लगा जल्दी लगा जकड़ लो उसको और तेजी जकड़ो उंगली को ऐसे लेके हैं दो एक नाक में एक नाक में उंगली उस पर पीठ पे खड़ी रखी खांदों पर खड़े रखी लगी जलाओ उसको तेजी जलाओ छोड़ा मत उसको जकड़ लो उसको जकड़ो उसको तेजी जकड़ो भाग नहीं सकता कमीने तू बच के जल्दी जकड़ लो उसको तेजी अलर्ट जल्दी लगा पूरी ताकत लगा जल्दी लगा बंदो उसको तेजी से बंदो उसको जकड़ लो उसको तेजी से जकड़ लो चलाओ चलाओ उसको जकड़ के तेजी से चलाओ उसको चलाओ अंदर जकड़ लो लगा पूरी ताकत लगा लगा कितनी देर पूरी ताकत लगा क्या और जोर से काटो बोल रहा हाँ जल्दी काट देने का जोर से बोल नहीं सब कुछ सुने आ ना नहीं तोड़ देता ना दोनों हाथ तेरे क्या कर रहा तू उसके अंदर बैठ के हाँ कुछ नहीं क्या भी गाड़ी बच्ची नहीं हो कुछ नहीं फिर आया कहाँ से तू कौन ला के छोड़ा थे उसके अंदर कुछ नहीं नहीं बोलता ठीक है चलो जलाने की तैयारी कर लिया जकड़ो तेजी जकड़ो उसके पेट में से आग लगेंगे पानी फुका के पिलाओ बात मत करो कट करके नहीं लाओ फुका के लिए आगे लो पहले फुका के लिए फुका पिया बस फुका
आगे ला आगे आगे ला आगे ला और तेजी जकड़ो अंदर से आओ और तेजी जकड़ो उसको जकड़ लो पेट पर जकड़ो जकड़ो अरे पन्नी लाओ ना कि दिमाग खराब हो तुम्हारा जल्दी लाओ जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो अंदर से जकड़ो और तेजी जकड़ो उसको सलाम तक नहीं करके जा रहे कमीने निकालने के बाद उल्टा में कुछ बात सुना के जा रहे हो इस बात को अभी देखो ना कैसे मस्ती पर बात करके जा रहा हो निकालने के बाद शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहे साले कमीने निकाल रहे बोल के कर रहे हो जाने पैसे देना पड़ता है नीचे लगाओ उसको थोड़ा नीचे चलो लाओ 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 इसको खींच के लाओ मोबाइल आवाज जाओ चलो इसको बाहर लाओ तेजी से पूरी दवा बाहर लाओ उसकी लाओ हाँ पूरी दवा लो उसकी बाहर पूरी लो गरीबी अंदर मत रहने दो लाओ उसे पेट में जकड़ लो जकड़ो दिल पे ऐसे चालू हो दरवाजा बंद जकड़ो उसको लो उसको बाहर लो और तेजी से लो उसको बाहर जला के लो उसको और बाहर इतने खराब लोग हो गए अभी दो घंटे लगा के एक निकाला मैंने उसके आंग में का जो भी है दास्तान पूरा निकाले नामा पूछा है करे सब बाद में लोग बोल रहे हैं कि एहसान तक नहीं रख रहे सलाम तक नहीं कर रहे अरे कमीनो शर्म करो निकालने को बैठा अगर मेरे को दुनिया से कॉल आ रहे बाहर देश को आओ बोल के खतर ओमान पूरे वर्ल्ड से मेरे को बोल रहे लोग कि हमारे पास आओ यहाँ निकालो इंडिया में जरूरत नहीं है तुम्हारी तुम इतनी कैसी मस्ती चढ़ गई लोगों को हैदराबाद के आ रहे बोल रहे निकालो निकालने के बाद बोल रहे हमारा वीडियो नेट डालो डालने के बाद बोल रहे निकाल दो बहस बार यहाँ कर रहे मेरे साथ कमीनो शर्म करो तुम्हारी जबान खींचने की ताकत दिया जी अल्लाह ने मेरे को मगर सबर करता हूँ और दूसरी बात कि अब भी आके निकाल के गए और अब भी क्या बोलते तो उल्टा मैं कुछ सुना रहा हूँ बात निकाल दो हजरत वीडियो अनियन कई को डालते कई को तुम्हारे मेरे पास आओ मत जो जब पैसे लेते ना लोग आओ वहां जाओ और वहां जाके करो तुम इलाज यहाँ कमीनो मस्ती करो आओ उसको खींच के लाओ जकड़ के बाहर आ रहे और बोल रहे निकालो ये अभी बैठे आ लेते इन्हों ये सब लोग अभी देख रहे देखो जी इधर बोलो तुम्हारे सामने निकाले थे ना अभी छोकरियों का ऐसा हम रखे उन्होंने सलाम करे पैसे दिए उन्होंने कुछ निकालने के अपने को निकाले उसका सब करें बाद में अपने को सलाम तक नहीं करके जा रहे हो झूठे मुंह से उल्टा बात सुना के जा रहे हो हमारा वीडियो नेट पे मतान दो तुम कैसा है लोग दुनिया वाले मस्ती खोरो आओ मत मेरे पास मेरे को कोई गरज नहीं है तुम्हारी और ज्यादा अगर मेरे को आके परेशान करेंगे मैं सीधा दूसरा देश चले जाऊंगा कौन सा भी बटो फिर बोम मारते मई गरीबों की खिदमत करते बैठे आला फ्री में एक तो आ रहे वीडियो निकालो बोल रहे खुद ही बाद में बोल रहे कि वो वीडियो नेट पे मत डालो मेरे साथ बहस बाजियां कर रहे इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी तुम्हारे साथ खानदान की जबान खींचने की ताकत है मेरे पास में अल्लाह ने की ताकत दिया तुमको दो दो टक्के के जादूगर परेशान कर दे रहे तो तुम मेरे से कहाँ टक्कर ले सकते हुकूमत टक्कर नहीं ले सकती अल्लाह से अल्लाह के बद्दुआ कर दी उसके हक में तो अल्लाह उसको भी मजा चखा देता कोई जरूरत नहीं है किसकी भी किससे भी वो करने की बड़े बड़े शैतान किससे नहीं डरता शैतान कोई ऑफिसर नहीं देखता कोई पैसे वाला नहीं देखता कोई राजा कोई वजीर नहीं बरोबर घुस के मारता शैतान किसको मारने का तुम्हारे को शैताना मार रहे घुस के तुम्हारे घरों में जिंदगी भर से लेके फिर रहे और यहाँ के मैं निकाल रहा हूँ बगैर पैसे लिए गए तो तुम क्या बोलते तो कमीन हो झूठे मुंह से सलाम नहीं करके जा रहे मेरे को एहसान तक नहीं रख रहे उनसे जात के कौन से नस्ल के हो गए तुम ये इन्हों सुन रहे थे सब पहले बनाने लगा ये लोग आते तुम्हारा नंबर अब आए इनसे पहले उनका नंबर था निकालने लगा या बाद में बोल रहे हजर वीडियो मत डालो कई कू डालते वीडियो रंदा रहे फिर बनाया कई कुछ पहले वीडियो एक तो फुकट निकाले लिए क्या उनसे पैसे कुछ नहीं
तुम थे नमाज पढ़ते यार, कितने दिए उन्होंने? 1 लाख दिए, 2 लाख दिए? ऐसा दवा खाने में कितने पैसे डालते? हाँ, लंगर में 200 रुपए डाल रहे तो क्या एहसान कर रहे क्या भाई? वो भी लोगों को खाने का है, वो लंगर का खाने का चलता। तुम लोगों ने खाए खाना? खाना खाए हमने, खाना लंगर में डाल रहे 200 रुपए, वो भी एहसान कर रहे क्या मेरे ऊपर? आरज कहीं को आओ भी मत ना, वैसे चाहते आप में गिर के ना अल्लाह की गलीज बंदो। फुआ वहां लिख के लगाया वाला है, वो पढ़ के अंदर आना कोई भी। बाकी मेरे वास्ते बैठा क्या लेने का रहा? मेरे को छाती पे पैर देके लोगों से पैसे लेता था, चलो देना है तो दो, तो चलो जाओ, नहीं करता तुम्हारा इलाज। मगर किससे नहीं ले रहा ना मैं, वो गलती हुई नहीं दिखता। कमीने साले सब तरफ फिर रहे, हिंदुओं के पास जा रहे, महाराजाओं के पास जा रहे, कहीं इलाज नहीं हो, लास्ट में मेरे पास आ रहे। इलाज हो जा रहा है, 1 घंटे में निकाल दे रहे, उनको पूरा राइट कर दे रहे रफा दफा, और बाद में अपने पीछे एहसान जता के जा रहे हो। अभी तुम ही लोगा देना, तुम ही देख रहे थे ना अभी। हमने खुद डाले इस चीज के लिए पैसे। हाँ, वो तो तुमने डाले होंगे पैसे, वो मसला नहीं। अभी तुमने देखे ना, अभी उसका निकाले करे उत्ता चली दास्तान, उल्टिया हुए पन्निया भर के निकले पहली बार। और उन्हें आते थे, मैंने पहले से बोला था उसको, देखते रहे जमीन जायदाद का झगड़ा है। तो बोला नहीं नहीं, बोले जमीन जायदाद का थोड़ी, बोले हमारा ताया ने यूज कर दिया अपने चुपी। शैतान ने क्या बोला? जमीन जायदाद की वजह से खराब, बोले उसके ताया ने, उसके बाप ने हिस्सा नहीं दिया था सबको। बाद में क्या बोलते, तो वीडियो पहले बनाने लगा रहा, बाद में निकालो बोल रहा। कितनी कमाल बोल रहा, और अपनी बात सुना रहे हो? औकात भी नहीं थी मेरे सामने फड़कने की, खानदानी कौन है मैं, क्या है तुम्हारे को क्या मालूम? नालायक हो, अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता नाम पे बैठे आलो, सबको देखते रहे। अच्छा कोई नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको देखते बैठे आलो, हर जात हर धर्म का इंसान आता है यहाँ पे। निकल बाहर जल्दी, अल्लाह के वास्ते करते बैठा हूँ अल्लाह के नाम पे। आज बहुत गुस्सा आया था मेरे को, ऐसी दास्तान हर कोई वसत कर रहा, बदमाशियां क्या कर रहे? आ रहे हजरत निकालो, वो 2 टके का पोट्टा दुकान पे काम करता था, तो जुबेर निकालो निकालो बोल के मजाक कर रहा था। और जब निकाला मैंने सही में, उसके आंख में से पकड़ के खींच के, तो बाद में बोला मेरा यूट्यूब पे कई कुछ डाल रहे, नेट पे पहले डाल दो, बोला रात में 1 बजे सुबह में बोला निकाल दो, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। बोले बोला क्या हमारा घर देखे, और उसके बाप को बोले तो उसका बाप फोन पे टेढ़े बात करके अपने कुछ सुना रहा हो, उल्टा मस्ती हो रहा। कितनी मस्ती मारी नहीं लोगों को, जरी शर्म आना। अभी तुम किससे टक सोच रहे बहस करने की? तुम्हारी 7 पुष्पों को तक बर्बाद कर सकता मैं 1 मिनट में, क्योंकि सारे अमल मेरे पास आके झुकते। अल्लाह ने ताकत दिया अभी, सारे शैताना जिन्नाता जादुआ टोने, कितने अमल है दुनिया में, जितने अमला है सब जेर है, क्योंकि मेरे पास कलाम की ताकत दिया जिन्ना। तुम भी तो कलाम पढ़ रहे और मैं भी कलाम पढ़ रहा हूँ, क्या फर्क है? तुम भी वो पढ़ रहे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मगर मेरे पढ़ते से कैसे निकलता शैतान? कैसे हुकुम मानते मेरे सामने सब चीजें? और तुम्हारे पढ़ने से क्यों नहीं निकल रहा? तुम्हारी जबान गंदी है, गलीज हो गई, कमीनो, इस वास्ते जबान को पाक करो। तो अच्छा नहीं दिखता मेरे को, सब बहुत बुरा लगता कि तुम्हारे वास्ते मैं इतना 17-17 घंटे बैठ के खिदमत कर रहा हूँ। 1 क्विंटल 20 किलो की हालत थी मेरी, ऐसा बिल्डर था मैं कि आज मेरे क्या बोलते, आधी सी ज्यादा कुछ ही हालत नहीं बची कि ढीले हो गए कपड़े तक। तुम्हारे बैठ बैठ के 17-17 घंटे बैठ के लोगों की फ्री में खिदमत करा मैं, और तुम लोग क्या बोलते तो आते वीडियो बनाओ बोलते हैं, बाद में फिर बोलते वो वीडियो निकालो। मेरे साथ डायरेक्ट मेरे सामने आके मेरे को हुक्म देते बहसबाजी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अगर खाली मैं इशारा दे दिया तो तुम्हारे गाड़ियाँ नदी में डालते, इतनी ताकत दिया जल्ला, मगर नहीं करता मैं, मेरे को नहीं करने का। अल्लाह खुद लेता बदला तुम्हारे से भी, सबसे भी ना वैसा नहीं करना मेरे सामने बेअदब बातें। मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता और बहुत जलाल है, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं जिन्नात और शैतान के सामने। तुम्हारे पीछे ज्यादा डाल के उठा के पटकेगा शैतान, कितनी ताकत रहती देखे ना मेरे सामने जेर है, वो कितना बड़ा शैतान अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह ने दिया ना उसी ताकत। और तुम लोग मेरे सामने बेअदब बातें कर रहे खड़े रह के, वो वीडियो डाल रहे थे। अगर तुम आरज कहीं को मेरे पास मत आओ ना, मैं तुम्हारा बुला रहा, तुम्हारी क्या गरज है कि मेरे को मैं अल्लाह के नाम पे बैठे आ रहा हूँ करने को? इतना बड़ा डॉक्टर था मैं कि 30,000-40,000 फीस लेता था मैं एक पेशेंट को राइट करने की, और गारंटी साथ बीमारियां राइट करता था मैं। स्पेशलिस्ट था मैं मूलियात के अंदर, किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट, बावासीर पाइल्स स्पेशलिस्ट,
है तो उधर और भी बहुत सारे बीमारियां रहते नौजवान बच्चों के लड़कियों के, उनमें भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर था मैं, तो वो सब छोड़ के फीसा नहीं लेके लोगों के फ्री में यहाँ कर रहा हूँ, तो वहाँ कितनी मस्ती चढ़ी। वो चुप तुम पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि मैं भी तो कुरान ही पढ़ रहा हूँ, तुम भी कुरान पढ़ रहे, कैसी जबान में फर्क है तुम्हारे और मेरे, तुम्हारी जबान गलीज है, इस वास्ते अल्लाह ने तुम्हारे में फैज नहीं रखा था। क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने को अल्फाज भी नहीं है, मेरे पास बोलने को कुछ शब्द भी नहीं मिलते तुम लोगों के बारे में, और मुझे कमेंटों में बोल रहे शर्म करो कमीनों कि हिंदू भाई को देख रहे तुम मुसलमान को, ये दरबार ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, सबको बरोबर नंबर लगा के आना पड़ता, सबको बरोबर देखते, सबको बरोबर रुकाते, सब बरोबर खाते, लंगर का खाना एकदम क्या बोलते तो प्योर वेजिटेरियन बनता, सब हर जात वाला खाता वहाँ पे, मगर ऐसा बोलना भी नहीं कमेंटों में कुछ भी किसके भी बारे में, इनको मत देखो, वो जात वाले को मत देखो, ये जात वाले को मत देखो, सब हर जात और हर धर्म के वास्ते कुरान उतरे अल्लाह का, तुम्हारा को विरासत में नहीं मिला, हर जात हर धर्म के वास्ते अल्लाह ने उतारा उसको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके वास्ते रहमतुल आलमीन है, तुम्हें कुछ विरासत में नहीं मिला, वो सबको फैज किया अल्लाह ने उसमें रखे अल्लाह। और भी बहुत सारी बातें मगर बोलना नहीं चाहूँगा मैं, क्या क्या बोल रहे कौन कौन वो खैर, मगर मेरे को अच्छा नहीं दिखता, मैं फ्री में बैठा ना करते हुए, मैं चाहूँ तो छाती पे पैर दे के तुम्हारे पैसे लेके इलाज करता हूँ, मेरे को नहीं करने का है, चलो करने का तो पैसे तो करता हूँ, मगर नहीं ले रहा ना मैं, बोल के तुम लोग ऐसा अन जता रहे मेरे ऊपर, है ना, आके फुकट में करके जा रहे हैं, रुकने का बंदोबस्त है, खाने का तुम्हारे फ्री में बंदोबस्त है, लंगर का, रहने का, हर चीज़ का बंदोबस्त करे, आज तक किसने लंगर को डोनेशन नहीं करा, हराम को कमियों ने देख रहे ना उल्टे का मेरा दे, सब फ्री में मैं कर रहा हूँ, मेरे जेब का जा रहा सब भी, तो तुमको एहसान नहीं, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, एहसान फरामोश बात कर रहे आके मेरे सामने, अब ये तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, तुम्हारे हक में अगर खाली बद्दुआ कर दिया ना मैंने तो तुम्हारे साथ पुश्तों को अल्लाह बर्बाद कर देना, सात खानदान को आने वाले, क्योंकि तुमको भी क्या मालूम बद्दुआ और दुआ में क्या फ़र्क है, दुआ कबूल नहीं होती, दुआ जाती है और सातवें आसमान पर जाने से पहले अर्श पर ज़मीन और आसमान के बीच में, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौल है, दुआ को आसमान और ज़मीन के बीच में रोक दिया जाता जब तक उसके साथ में दरुद शरीफ ना हो, अव्वल आखिर दरुद शरीफ अगर साथ में रहा तो दुआ को अर्श पर जान देते नहीं तो रोक देते, मगर बद्दुआ एक ऐसी चीज़ है वो डायरेक्ट अर्श पर जाती है, भाई दुआ लेते बैठे आ रहा हूँ लोग, बद्दुआ नहीं ले रहा हूँ, तुम कैसा है दुनिया में तुम्हारे रिश्तेदारों जो जाते ऑटो में करें ना तुम्हारे ऊपर तो चुप नहीं करे, तुम लोग आ रहे मेरे पास निकाल के जा रहे, मैं इतनी मेहनत करके निकाल के देता हूँ, दूसरों के पास तुम जा रहे थे लोग तुम्हारा मार के हकालते ना पिछवाड़े पे लाता और पैसे भी लेते, यहाँ फ्री में करके दे रहा हूँ सब दे रहा हूँ, बाद में तुम मेरे चुप पर एहसान जता रहे ना, वो कहीं को बना रहे या वो वीडियो कहीं को डाल रहे, कौन सा दौर चल रहा है मियाँ, मेरे को बोल रहे वीडियो क्यों डाल रहे, बोल के कमेंटों में शर्म करो जरा, टिकटॉक पे तुम्हारे तेरे खुद जो भी बोल रहा ना तो तुम्हारे खुद मामा बहना बेटा टिकटॉक के ऊपर है, वो क्या क्या आ गया तो उसके ऊपर, यहाँ खुद इलाज को आने वाले छोकरियाँ लड़कियाँ इतने बुरके बन के आते हैं नकाबा, और बाद में यहाँ जो बाहर वर्कर हैं जो काम करते हैं उनको नंबर देख जाते हैं, वो खुद बोलते हैं कि साहब उन्होंने हम आपको नंबर देख गए, वो टिकटॉक पे उसके इतने वीडियो हैं 100 से 200 300, और यहाँ कौन सा गोशा पर्दा हो रहा, फिर शर्म करो जरी, टिकटॉक पे डाल रहे हैं टिकटॉक का चला रहे हैं, खबर में जाने के बाद क्या टिकटॉक काम आने वाला है, नेक बखत अगर अल्लाह की नेक बखत खातून रही अल्लाह को मानने वाली नेक बखत इस्लाम की बेटी तो उसको शैतान लगने की मजाली पैदा नहीं होती ना, तुम्हारे को शैतान ही चुस्वास लगा कि तुम शैतान के साथ नाच रहे, बोल के शैतान लग रहे तुम्हारे, इबादत करो बस एक ही बात बोलूँगा, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और बस मेरे सामने जो भी आया तो मेरे सामने ना कैसा है इतनी बात याद रखो कि बहुत गुस्सा जल्दी आता मेरे को, मगर मैंने आज तक गुस्सा किसी के ऊपर जाहिर नहीं करा, मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं शैतान के सामने खाली गुस्से में बात करता हूँ, बाकी किसी को नहीं करता हूँ, अगर बाकी किसी को करा ना गुस्से में बात तो फिर उन्हें दुनिया में अब बहुत सारी बातें बोलूंगा भी नहीं, दिखता भी नहीं हो टिकता भी नहीं, फिर मार भाई कभी किसी को हुक्म नहीं देता मारो और करो बोल के, खुद ब खुद मेरे पास जो चीज़ें काम करने वाले तुम मट्टी के बने वाले पुतले है तो तुम इतना गर्म हो के इतना गुस्सा आके बताते, और जो जिन्नाता हैं शैतान वो सब आँख के बने वाले उनको कितना गुस्सा रहता हूँ, और दूसरी बात वो मेरे सामने जो भी मेरे पास किए मेरे सामने जो भी बेअदब बात कर कुछ भी वो खुद बहुत जाते खुद बहुत उनका जो भी बताना बताते बरोबर करते हो उस साथ वो तो खैर वो सब बातें छोड़ो उसमें कुछ लेना देना नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत बुरा लगता वैसा आते हैं मेरे सामने बैठते अभी सब लोग देख रहे थे ना इनके सामने फ्री में निकाले उनका क्या क्या करे अभी बोलो उधर पूरी दुनिया देख रही तुम्हारा कितना दिखाना चाह रहा हूँ हाँ दवा भी पलटी हुई भी देखी तुमने बिस्लरी का पानी ला के उन्होंने पिला रहे थे पड़ा पड़ा के दवा पलटी हुई थी सब बोला शैतान ने निकल के बाद में उन्होंने कैसे बात कर रहे अपने कुछ हुक्म दिए वैसा
तो तुम रोज कहीं को बनाया है। बहुत अच्छा नहीं लगा, इतने देर तक परेशान हुए हमने, बोले मौलाना फिर ऐसा कर रहे। हाँ, और बाद में लास्ट में शुक्रिया अदा करना था ना, वो शुक्रिया अदा नहीं करे, बाद में उन्होंने लास्ट में हुक्म दे रहे थे, वो वीडियो निकाल डालो, यूं कर दो, हजरत अरे 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 हुक्म कैसा दे रहे तुम, रिक्वेस्ट करना था, रिक्वेस्ट करना था। ये सब बातों से मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम लोगों से मेरे कुछ लेना देना नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह के वास्ते बटा। अगर मेरे को पैसे लेने का रहा तुम्हारे छाती पे पैर दे के लेता हूँ, देना तो देना, बोलता निकल चल जा, मगर मैं नहीं ले रहा ना, ये गलती होगी ना। तुम्हारे से कितने लिए थी, लिए या कुछ पैसे जो भी है दिल से लंगर में डाले तुमने, वो भी लंगर खाने का जा रहा होगा, वो पूरा जकड़ के बाहर लाओ। ये जो निजाम चल रहा है ना मेरे पास, ये मैंने कोई सिखियाला नहीं है, एक बात ये भी सुन लो, कोई मेरा उस्ताद नहीं है और किसी ने मुझे सिखाया वाला नहीं है, सब निजाम कुदरती निजाम चल रहा। और दूसरी बात ऐसी है कि कोई इतना भी बड़ा जादूगर रन दो, क्या भी रन दो, कैसा भी रन दो, सब तुमने देख लिया था और यूट्यूब पे देख लो सब लोग, सबको जेर कर देते हैं अल्लाह कलाम की ताकत से। और कलाम तुम भी पढ़ते हो और सारे उलमा लोग भी पढ़ते हो और मैं भी पढ़ता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे और तुम्हारे जबान का फर्क है। अल्लाह ने मेरी जबान में क्या रखा, देखो कि मैं पढ़ते सबको निकलना चालू हो जाता, और देखो कैसी मार पड़ती शैतान को, कैसा लाते खींच के लाओ उसको, जला के बाहर लाओ, तेजी से छोड़ो मत उसको, ना लाओ को बाहर खींचो उसको, पानी पी ले, पिलाओ ये पानी। कम बाकत लोग आऊंगे कैसे क्या बोलना, बोलने को अल्फाज नहीं मिलते हैं कि मैं तो रिश्ता सब देखने के बाद, अब मैं सोच रहा हूँ कि चले जाना क्या कोई देश, दूसरा देश जाके सेटल, क्योंकि तुम मेरे को 17-17 घंटे लोगों की खिदमत करने लगा रहे, मेरे को आराम नहीं मिल रहा, मेरे को ये तक नहीं मालूम हो रहा कि कभी कौन सा त्यौहार आके जा रहा, बाहर गणपति आके चले गया, बकरीद आके जा रहे, रमजान आके जा रहे, मुहर्रम आके, कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा सूरज कब डूब रहा और सूरज कब निकल रहा मेरे को ये भी नहीं मालूम रहा। मैं इसमें बैठा रहा ना, यहाँ से उठा मैं, यहाँ से गई कि दूसरा मेरे पड़े का कमरा, कमरे में जाना पड़ता है, वहां से उठ गया, तुम्हारे से भी कुछ लेना देना नहीं है, बस खाली आदमी रखा था, गुस्सा बता रहा था मेरे बाद में तो हरकत करा, तो फिर भी मैंने गुस्से को पी लिया अल्लाह के हुकुम से, कुछ बोला नहीं, करा नहीं, वो सब मेरे सामने कैसा बोल सकते, कैसा तुम मुझे हुक्म दिए जैसे बात करते, वो डिलीट कर दो हजरत, ये कर दो, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, कोई मामले में तुम मेरे से जीत नहीं सकते, कोई मामले में, इतनी फौज है मेरे पास, वन मैन आर्मी ऐसे ऐसे है मेरे पास में कि जिसके आदमी बोल भी नहीं सकता, क्या करना है जो आदमी किसी का कुछ लेना देना नहीं, मेरे को किसी का कुछ नहीं, तुम्हारे को आना है, पहले जो वीडियो की क्या है बात करते जाना, पहले बोलते बनाओ बाद में बोलते निकालो, उससे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता, पहले बोलने का ना जो भी तुम्हारा पहले डिस्कस करने का मेरे से, ऐसी बात ऐसी है सर क्या करना है, फिर तुम्हारे को बताएंगे हाँ ठीक है नहीं हाँ ठीक है, जो भी एक सवाल है तुम्हारे दिलों में बदमाशियाँ हैं, रे बंदा मान लिया, निकालो उसका पूरा निकालो मार के बाहर, और वो छोकरी को मेरे सामने लाने से पहले अपने हाथे में आते बाहर आ जाता ना उसके आने, ठीक है तुम सुबह में मार कर के आने, कहाँ पे आया था उसके आने, लंगर में बैठे वहाँ चला था, क्या बोल रहा था वहाँ पे बाहर, हर डायरी थी, मार दो मार दो मत मारो, क्या बोल रही थी, कुछ आवाज सुन रहा था बस, जोर जोर से अल्लाह के बाद, हां ऐसा बोल रही थी ना, बता डाल रही थी पूरा पूरा, यहां आते रहता था, यहां पे सब करते लाके, मगर कैसा है मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव सब ताकत है, मैं पॉजिटिव यूज करता बड़ा, नेगेटिव भी दिया लिए अल्लाह ने मुझे, पॉजिटिव भी दिया, अगर मैं नेगेटिव यूज करूंगा तो कहां जाएंगे तुम लोग पॉजिटिव यूज करने, मैं नहीं करता, क्या करने का मुझे तो सब अल्लाह के नाम पे करते हैं, बस सबको एक मैसेज देंगे कि इबादत करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, रोजे रखो, ज़कात दो, अल्लाह को राजी करो, और एक बात सबसे ज्यादा अहम कि आपस में मत लड़ो, मैं तबलीगी तू वहाबी तू 24 नंबरी वो हम देवबंदी और हम बरेलवी, ये सब करने का दौर नहीं रहा, दौर को समझो और समझ के करो, एक बनो और नेक बनो, तू फलाना मैं ये से मत करते बटो दास्ताना, तू जन्नत में जाएगा मैं जहन्नम में जाऊंगा, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि तबलीग वाले जन्नत में जाएंगे कि बरेलवी वाले जन्नत में जाएंगे, कि अहले हदीस हैं वो अल्लाह के हाथ में, किसको कब भेजना है वो अल्लाह तुम्हारे अदाओं को तुम्हारे अमाल को देख के भेजेगा, और अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता जो तुम्हारे जहन्नम में डालेगा, कि तुम्हारे अमाल जो है दुनिया में के वो तुम्हारे जहन्नम में ले जाकर डालेंगे, अल्लाह तो 70 माह की मोहब्बत करता फिर कैसे डालेंगे उनके जहन्नम में,
वो मत करो वैसे दास्ताना। हम बरेलवी, मेरे पास में तुम्हारे को बोलूं सब ये बरेलवी, ये तबलीगी, ये अहले हदीस, ये तुम्हारे बड़े बड़े बातें करते हैं, सब यहाँ घूमते डाल के आते हैं। उनके भी वीडियो आए मेरे पास, डालू के नेट पे देखते, मगर उन्होंने बोले आला रो रो के रिक्वेस्ट करे आले मेरे को मत डालो हजरत। उनके भी भावों के माओं के बेटियों के आंगने वाले वो भी निकाला मैंने, हर जमात वाले के मेरे पास में, हर जमात वाला यहाँ सबको आगे झुकना पड़ता क्योंकि अल्लाह कलाम की ताकत। देख के हैरान हो जाएंगे इतने बड़े बड़े लोगों की भी माँ माँ बहन बेटियों के आंगने वाले, मगर मैंने नहीं डाला। मार के लाओ बाहर, तेजी से लाओ उसको जकड़ के। चल निकाल पूरी दवाई, निकाल उसकी बाहर निकाल, पूरा निकालो उसको बाहर, मार के निकालो उसको पूरा बाहर, जरा अंदर नहीं रहना उन्हें। चल निकाल, घर में बंदा लो उसको, बंदा लो उसको, बंदा उसको जकड़ लो। बंदा लो उसको और तेजी जकड़ लो उसको।